तो आज ना 2 मई है और आज भी स्पेशल डे ही है। और होती है 11:30 और मेरी मेहंदी ना अभी स्टार्ट होती है, तो देख रहे हो मेरी मेहंदी आर्टिस्ट को जो अभी लगा रही हूँ, मेरी मेहंदी वगैरह हो चुकी है तो इस हाथ पे लगाई है। प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पे। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है दही के साथ। लोग दही और चीनी खाते हैं बट मैं दही और नमक खाती हूँ सुबह सुबह। और ये यहाँ पे बैठ रखी है, तो ये मेरे साथ आ रखी थी और ये मेरी टीचर रही। देखो यहाँ पे मैंने बुक खोल रखी, मतलब बुक निकाल रखी है और ये मुझे पढ़ा रही है। तो ये मेरी ट्यूशन टीचर आसे है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी निकाल दिए तैयार होने के लिए। तो टाइम अभी 7:30 हो रहा है, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मैंने इसको छोड़ने जाना है रूम, इसके रूम पे, क्योंकि इसे डर लगता है। तो इसने कॉलेज भी जाना है, तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपनी दही, नमक वाली दही खा लेती हूँ और दिन का शुभारंभ कर देती हूँ। तो अभी बस 8:00 और हम निकल गए घर से अभी, तो अभी हम चलते हैं। और हम थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पे ये तैयार भी हो गई है सफ़ेद परी और तो आज ना 2 मई है और आज भी स्पेशल डे ही है और है ना। आज के दिन ना मेरा मंगल स्नान था और मेहंदी थी। हाँ, मेहंदी थी तो शाम, मेहंदी तो खैर शाम को थी, मेहंदी तो शाम को ही लगनी है, पर आज के दिन मेरा मंगल स्नान था। अभी हम यहाँ से गए थे ऋषिकेश। कब गए थे? मैं कल चले गई थी, तो ये लोग आज ही गए थे। हमारी मेरी शादी ऋषिकेश में हुई थी और अब ना शाम को तो यही लगाएगी मेरी मेहंदी, अभी तो कॉलेज जा रही है। तो आज के दिन मेरा मंगल स्नान था और आज के जो दिन होते हैं ना, जो पल होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे पल होते हैं। यार मैं सोच रही थी कि आपसे ना मैं वो शेयर करूँ जो मेरी शादी की वीडियोज वगैरह है, तो मेरे पास फ़ोन पे तो है नहीं, वही होती है जो पेन ड्राइव मिलती है। बट क्या करें, मेरी ना जो मायके वाली पेन ड्राइव है ना, मेरी वाली यहाँ की, तो वो खो गई है। तो मैं वरना ना आपको मेहंदी और मंगल स्नान की जो वीडियोज़ होती है वो ना मैं शेयर करती इस पर यूट्यूब पर, तो वो है ही नहीं, खो गई कहीं, पता नहीं कहाँ खोई। इतनी मुझे ध्यान ही नहीं है कि मैंने कहाँ रखी हुई है और ना ही मिल रही है और पता नहीं कहाँ चले गई। तो अगर होती तो मैं ज़रूर शेयर करती। अगर थोड़ा थोड़ा क्लिप होगी ना मेरे पास, अगर मेहंदी वाली होगी या थोड़ा मंगल स्नान की होगी मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई, तो मैं ज़रूर ना इस वीडियो के उसमें लगा दूँगी थोड़ा, जितनी क्लिप मेरे पास होगी किनारे पे, तो ज़रूर देखना। और अगर गाइस मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत प्यारी आ रही है। और यहाँ पे मेरा नाश्ता आ गया है, तो नाश्ते में आज शिमला और आलू की सब्जी है। तो अकुना दही लेने चली गई है और दही थी नहीं, और यहाँ पे ये दही लेके आ भी गई है और भाग भाग के आ रही, भाग भाग के, भाई भागने की जरूरत नहीं थी, अभी तो टाइम है मेरे पास आधा घंटा। तो ये लेके आई मधुसूदन दही और इसके साथ ना मसाला भी फ्री मिलता है भैया आपसे। तो जरा आप दही वगैरह खाते हैं, अब रोटी खाते हैं, आ जा आपको नाश्ता करने, खा लेना, अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो खा ले, खा ले, खा ले। और नाश्ता भी मेरा हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा धूप पे बैठ गई हूँ। यार आज ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा, मुझे लग रहा है कहीं ना बारिश हुई है, शायद मसूरी साइड बारिश हुई होगी, तो इधर ना ठंडा ही हो रहा है आज, तो उतनी धूप भी नहीं लग रही है। तो थोड़ी देर धूप पे बैठे रहती हूँ, फिर चलती हूँ मेडिकल के लिए। मेडिकल पे आने के बाद मुझे सबसे पहले चाय मिल जाती है, तो मैंने चाय पी और उसके बाद ना मैं काम पे लग गई थी, सामान सामान आ रखा था, दवाई दवाई लगाई। अभी हो गए गाइस 1:15 और मैं आ गई हूँ लंच पे, तो अब मेरा टाइम ना चेंज हो गया, मैं 1 बजे नहीं आती, 1:15 बजे आती हूँ। और साथ में मैं खा रही हूँ रसगुल्ले जो आपको के लिए लाए थे, तो ये बच्चे अभी रसगुल्ले, एक मैंने खा लिया, एक मैं दूसरा ठूस रही हूँ और चलते हैं किचन की ओर। तो यहाँ पे रितिका कर रही है खाने पीने की तैयारी, तो अभी इसने बनाया नहीं, तो यू ईट नहीं, तो चलो ये मैं इसी को देती हूँ, मैंने एक खा लिया है, ये देखो दीदी खिला रही बहन को और था। तो यहाँ पे ये काट रही है टमाटर वगैरह, तो ये दाल वगैरह बनाएगी, दाल आपको सुबह की उबालने के लिए डाल रखी है यहाँ पे गहत की दाल, और यहाँ पे इसने कढ़ाई लगा दी। तो मैं बनाऊंगी चटनी, मेरा काम है चटनी बनाने का। तो सबसे पहले मैं खाती हूँ रसगुल्ला दूसरा वाला, क्योंकि इसने मेरे हिस्से का ना ले लिया है। यहाँ पे ये ना 2 रसगुल्ले ही बच रखे हैं, बस एक मैं ले लूंगी। और अभी हो गए 1:45 और मैं 5 मिनट हूँ मेडिकल पे, तो जल्दीबाजी में ना खाना पीना खाया और जल्दी में आई, टाइम ही नहीं पाता है। तो अभी भी ना अभी तक आने वाले आते हैं।
तो दवाइयाँ आई थी वो मैंने लगा दी है, तो अब मैं ना कल बैठी रहती हूँ क्योंकि अभी दवाई वगैरह है नहीं कुछ लगाने के लिए, जब आएगी तभी लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं अभी बिल चढ़ा रही हूँ और सामने मैं न चढ़ा दे कुछ, तो अभी 6:30 हो गया है और प्रॉपर से बिल चढ़ा देती हूँ। और आज सामने मेरी मेहंदी है, तो आप लोग ने जरूर मेहंदी में इनवाइट है, इनमें जॉब कर रही, शाम को मेहंदी का ऐसी मेहंदी होती है भाई, देखा मेहंदी है ना, तो शाम तक ना ब्लॉग के साथ बने रहिए। और मैं ना अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ, मतलब 5-10 मिनट हो गए मेरे को घर आए हुए, तो मैंने आपको बताया था मेरी मेहंदी आज, तो अब मेहंदी वगैरह लगाऊंगी। और मतलब मेहंदी थी 2 साल पहले, तो आज मेहंदी है, आज मेहंदी वगैरह लगा। और ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और अभी आई वगैरह अभी फिर मेडिकल से, तो शाम के टाइम पर काम भी बहुत ज़्यादा होता है और थक भी लग गई है, पर मेहंदी भी लगानी है क्योंकि कल मेरी एनिवर्सरी है और आज तो मेहंदी थी घर। मेहंदी मुंह बाद लगाती हूँ, सबसे पहले पानी वगैरह मंगवाती हूँ आपको से, तो उसके बाद खाना पीना खाएंगे, देन मेहंदी लगाएंगे। मेरी तो हालत खराब हो रखी है ऐसे। यहाँ पे मैंने अपने लिए आइस वाला पानी ला दिया है क्योंकि गर्मी ना बहुत तेज हो रही है। अभी हो गई 11:15 और मेरी मेहंदी ना अभी स्टार्ट हो गई है, तो देख लो मेरी मेहंदी आर्टिस्ट को जो अभी लगा रही है मेहंदी वगैरह। तो खाना पीना हमारा हो गया है और अभी हमारी मेहंदी स्टार्ट हो गई है। जब जिस दिन शादी थी तब तो 3:30 के लगभग हुई थी मेहंदी स्टार्ट, है ना, 3:30 से मेहंदी, हाँ 3:00 के लगभग हुई थी। आज देखते आज 11:15 से मेहंदी लग रही है। और जो ये यहाँ पे ये मेरी छोटी बहन, आपको ये ना ट्रेनर है ये बोल रही थी हिम्मत ज्यादा हाँ हो गई, ऐसे मुझे मेहंदी वाला ने भी कहा था, मैं हंस रही थी बातें कर रही थी और आप दिलों में ज्यादा हंसो मत। तो ये यहाँ पे अभी बिगनर है, क्या है कृतिका, और यहाँ पे कृतिका को क्या कृतिका को आ जाता है मेहंदी लगाने, लेकिन प्रॉपर परफेक्ट नहीं आती, पर आती है ना अभी सीखी है मतलब। टाइम हो रहा है 11:58 और यहाँ पे ना मेरी मेहंदी कम्प्लीट हो चुकी है, तो इस हाथ पे लगाई है कृतिका ने और इस हाथ पे लगाई है रितिका ने, तो ये अभी बिगनर है और इसे थोड़ा बहुत आती है, उतनी परफेक्ट भी नहीं अभी, तो दोनों ने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है और बहुत ही ज्यादा अच्छी लगाई है, तो मुझे ना मतलब मस्त वाली फीलिंग आ रही है आज मेहंदी वाली, जैसे ना मेरी मेहंदी होगी तो एक्सपीरियंस मेरी 10 घंटे जाएगा आज भी आ रही है, तो मेरी मेहंदी लग चुकी है। खैर ये लोग सब सो जाएंगे, बट मैंने अभी तपस्या करनी है, देखते हैं कब तक मेरी तपस्या होती है, क्योंकि अभी मेहंदी में टाइम है, अभी मेहंदी सूख ही रही है, तो अभी चेस्ट की फीलिंग लगा के तो बस मेहंदी सुखाती हूँ और उसके बाद सो जाऊंगी। तो कल मेरी एनिवर्सरी है, तो कल का व्लॉग भी जरूर देखना मेरा एनिवर्सरी वाला, तो मैं अपनी मेहंदी के साथ ही इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।